क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र करना और तेरे नाम की मदासराई करना। ऐ हक ताला, सुबह को तेरी शफकत का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का। मसीह यीशु के अजीम पुरफजल जलाली नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों पर खुदावंद की सलामती हो। मैं बाबर इमैनुएल आज सुबह प्रोग्राम खुदावंद की आवाज़ में आपको वेलकम करता हूँ। हमारे साथ आज खुदावंद के कलाम की खिदमत को सर अंजाम देने के लिए मौजूद हैं पास्टर साजिद तनवीर जेम्स साहब। इनका ताल्लुक है जीसस लाइफ चेंजिंग मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल पाकिस्तान से। आज हम इनसे खुदावंद की जिंदा आवाज को सुनेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बाबरकत नाम में तमाम नेशनल न्यूज नामा टीवी को देखने वालों को पास्टर साजिद तनवीर का सलाम कबूल हो। मैं खुदाए सलूस का शुक्र गुजार हूं कि जो मुझे गाहे बगाहे अपने काम और खिदमत के लिए और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। मैं अपनी जात में कुछ भी नहीं हूं और जिस तरह बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, मुकद्दस यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान और 15वां बाब और 6 आयत में खुदावंद यीशु अल मसीह ने कहा कि जिस तरह डाली दरख्त के साथ व्यवस्त रहती है तभी वो बहुत सारा फल लाती है और इसी तरह तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। सो मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि खुदा के साथ वफादारी से चलते हुए मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्र करता हूं कि वो मुझे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर अपने काम और खिदमत के लिए और अंजील की वसत के लिए और आसमान की बादशाही की वसत के लिए इस्तेमाल करता है। आज का मेरा मजमून है द होली बाइबल, बाइबल मुकद्दस। किताबे मुकद्दस के ऊपर बहुत सारे उलमा, बहुत सारे खादमीन और बहुत सारे जो बाइबल मुकद्दस के पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा दफा इस पर, इस मजमून पर पैगाम दिए हैं। तकरीबन आज से 2 दिन पहले मैं दुआ कर रहा था और मैं सोच रहा था कि जो मेरे अंदर खुदा ने किताबे मुकद्दस के बारे में रूहानी जोश भरा है, किताबे मुकद्दस के बारे में जो मेरे अंदर खुदा ने ईमान को भरा है, मैं क्यों ना नेशनल न्यूज नामा के प्लेटफॉर्म से नाजरीन तक पहुंचाऊं। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस के मानी है किताबों का मजमुआ। द बाइबल, बाइबल का मतलब है किताबों का मजमुआ, किताबों की मां। यह बहुत सारी किताबों का मजमुआ है। प्रोटेस्टेंट बाइबल जो है उसकी कुल 66 किताबें हैं और कैथोलिक बाइबल जो है उसकी कुल 72 किताबें हैं। बाइबल मुकद्दस के बुनियादी तौर पर 2 बड़े हिस्से हैं, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। बाइबल मुकद्दस के 40 मुसन्निफीन हैं और ये जो 40 मुसन्निफीन है, ये मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से इनका तल्लुक है। लेकिन खूबसूरत बात यह है कि ये तमाम 40 के 40 मुसन्निफीन, इन सब का एक ही रहनुमा और इन सब को एक ही रूह जो है वो रहनुमा बना, रूल कुद्स, और ये सब रूल कुद्स की रहनुमाई में कलाम करते और ये कलाम लिखा जाता था। गोया यू साबित हुआ कि बाइबल मुकद्दस दुनिया का वो वाहिद कलाम है जो इंसानों के ऊपर नहीं बल्कि खुदाए सलूस की तरफ से जो है वो इंसानों के ऊपर 40 मुसन्निफीन पर इनके बारे में नाजिल हुआ और उन्होंने मुख्तलिफ जगह पर बैठकर मुख्तलिफ हालत में इस कलाम को लिखा। बाइबल मुकद्दस अब तक कई जुबानों में लिखी जा चुकी है। बाइबल मुकद्दस का बहुत सारी जुबानों में अब तक तर्जमा हो चुका है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो किताब प्रिंट होती है वो बाइबल मुकद्दस है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो किताब पढ़ी जाती है वो बाइबल मुकद्दस है। दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को पढ़ाया जाता है वो बाइबल मुकद्दस है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो किताब सेल होती है वो बाइबल मुकद्दस है।
और दुनिया में सबसे ज्यादा जिसके ऊपर नुक्ताचीनी की जा रही है वो भी बाइबल मुकद्दस है। बाइबल मुकद्दस खुदा का जिंदा लासानी और लातब्दील कलाम है। और जिस तरह जबूर 89 में यानी 99 जबूर में खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है कि जिस तरह खुदा फरमाता है कि मैं लातब्दील हूं, वैसे ही मेरा कलाम भी लातब्दील है। बाइबल मुकद्दस के बारे में जो है वो जबूर 119 और 105 आयत में लिखा है, खुदा का बंदा दाऊद कहता है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। मेरे अजीजो, खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस, दाऊद कहता है कि मेरे लिए, मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। इसका मतलब यह है कि बाइबल मुकद्दस चूंकि रूह कुद्दस की रहनुमाई में लिखा गया कलाम है, इसलिए ये बाइबल मुकद्दस जो नूर है, और ये बाइबल मुकद्दस नूर हमारी जिंदगी में तब बनेगा, ये बाइबल मुकद्दस हमारी जिंदगी में रोशनी तब बनेगी जब मैं और आप इसको खोलेंगे, जब मैं और आप इसे पढ़ेंगे। हम बाइबल मुकद्दस में एक और हवाला पढ़ेंगे, मकाशवा की किताब, बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब ने अहदनामे में, मकाशवा की किताब पहला बाब और उसकी 3 आयत में लिखा है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। सो कलाम में लिखा है इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, इसका मतलब यह कि बाइबल मुकद्दस नबूवती किताब है। बाइबल मुकद्दस के अंदर जो कुछ लिखा गया है वो खुदाए रूल कुछ ने नबूवती तौर पर लिखवाया है। बाइबल मुकद्दस का एक एक लफ्ज जो है रूल कुद्दस की हदायत और रहनुमाई में लिखा गया है, और यही वजह है खुदा का बंदा दाऊद कहता है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। मेरे चीजों, खुदा का कलाम मेरे कदमों के लिए और आपके कदमों के लिए, आपकी जिंदगी के लिए और मेरी जिंदगी के लिए तब नूर बनेगा जब हम इसे खोलेंगे। मेरा काम खिदमत है और मैं बहुत ज्यादा विजिट करता हूं, लोगों के घरों में जाता हूं, दुआ करता हूं, तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, भाई जी आइए बाइबल मुकद्दस को खोलते हैं और खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं। तो मोस्ट ऑफ टाइम मैं लोगों को देखता हूं कि वो बाइबल मुकद्दस को बड़े खूबसूरत कपड़े में लपेट कर ऊंची जगह पर रखते हैं, और जब उनको कहा जाता है कि बाइबल मुकद्दस को खोलें तो उसके ऊपर डस्ट पड़ी होती है, ये इस बात का सबूत है कि वो बाइबल मुकद्दस को नहीं पढ़ते। जबकि हमने पढ़ा है इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, अरे बाइबल मुकद्दस का पढ़ना ही बरकत का बाइस है, बाइबल मुकद्दस का खोलना ही बरकत का बाइस है, बाइबल मुकद्दस का घर के अंदर इसको खोलना ही मेरे लिए और आपके लिए शफा का बाइस। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, उनको बाइबल मुकद्दस को उठाने में शर्म आती है। मेरे साथ चंद ऐसे खादमीन, मेरे साथ चंद ऐसे जो है वो पास्टर खिदमत करते रहे और हमारे साथ मिलते रहे, तो अक्सर मैंने देखा कि वो पास्टर कॉन्फ्रेंस में आते या वो हमारे साथ खिदमत पे जाते तो वो बाइबल ना लेके जाते या अपना बैग जो है वो नहीं कैरी करते। और एक दफा मैंने दो पास्टर से कहा कि भाई आपने बाइबल मुकद्दस क्यों नहीं उठाई, या आपके पास बाइबल मुकद्दस का बैग नहीं है, आपके पास बाइबल मुकद्दस नहीं है। तो उनका एक ही जवाब होता है, जी खुदा का कलाम हमारे अंदर है, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं अगर आप मेरे बारे में सोचें या मैं अपने बारे में आपको बताऊं नाजरीन, तो बाइबल मुकद्दस को कैरी करना, बाइबल मुकद्दस को उठाना ही फखर का बाइस है, क्योंकि ये आम किताब नहीं है बल्कि ये खुदा का लसानी लातब्दील कलाम है। खुदाए सलूस के मुंह से निकला हुआ ये सुखन है, ये खुदाए सलूस से निकली हुई ये बातें हैं, ये सुचे मोती हैं। मेरे अजीजो, खुदा के कलाम की अहमियत को जानें, खुदा के कलाम से मोहब्बत करें। खुदा का बंदा दाऊद कहता है, मुझे तेरा कलाम ऐसे मिला जैसे छुपा हुआ खजाना है। खुदा के कलाम की कोई कीमत नहीं है, खुदा के कलाम की कोई कीमत मुकर्रर नहीं कर सकता।
क्योंकि ये अनमोल मोती हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है। खुदा के कलाम का कहर पड़ जाएगा। आज मैं आपको एक और बड़ी खूबसूरत बात बताऊंगा कलाम में। अमूस की किताब 8वां बाब, अमूस की किताब 8वां बाब 11वीं आयत में लिखा है, और खुदा फरमाता है, मैं इस मुल्क में कहर डालूंगा, ना पानी की प्यास ना रोटी का कहर, बल्कि खुदावंद के कलाम के सुनने का कहर डालूंगा। मेरे अज़ीज़ों, वहां लिखा है 12वीं आयत में, लोग समुद्र से समुद्र तक, लोग शुमाल से मशरक तक ढूंढते फिरेंगे, भटकते फिरेंगे, और उनको खुदा का कलाम नहीं मिलेगा। अगर आज बाइबल मुकद्दस को, जो खुदा का कलाम है, उसकी अहमियत को नहीं जानते, वो खुदा के कलाम को पढ़ते नहीं है, खुदा के कलाम को सीखते नहीं है, आप अपने घरों में बाइबल मुकद्दस को खोलते नहीं है, आप अपने बच्चों को जो है वो बाइबल मुकद्दस नहीं सिखाते, मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि हम अपने बच्चों को महंगे से महंगा मोबाइल लेके देते हैं, हम अपने बच्चों को महंगी से महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, हम अपने बच्चों को महंगे से महंगा जो है वो ट्यूटर रखवा लेते हैं, ट्यूशन सेंटर में उनको भेजते हैं, और उनके लिए शब रोज मेहनत करते हैं कि वो किसी मकाम पर पहुंच जाएं, लेकिन बाइबल मुकद्दस को वो नहीं पढ़ते। आप उनको कभी कहते ही नहीं है, बीइंग ए पेरेंट्स होते हुए आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बेटों, बेटियों, कि आप खुदा के कलाम को पढ़ें, खुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ने के लिए कहें, क्योंकि तभी ये खुदा का कलाम आपके कदमों के लिए, मेरे कदमों के लिए और तमाम दुनिया के लिए रोशनी का बायस बनेगा, जब हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। खुदा का कलाम जो है वो जिंदा है, लसानी है, खुदा के कलाम के पढ़ने से बरकत आती है, खुदा के कलाम के पढ़ने से शिफा आती है। साउथ अफ्रीका में एक ऐसी जगह खुदा का खादम खिदमत करने के लिए गया, और वहां एक पानी का कुआं था, और उस कुएं का पानी कड़वा हो चुका था, और उस इलाके के लोग अक्सर स्टमक अल्सर का शिकार हो गए, और जो भी उस पानी को पीता उसका स्टमक खराब हो जाता। खुदा का खादम जब उस इलाके में पहुंचा, वो मिशनरी जब उस इलाके में पहुंचा, तो लोगों ने कहा, हम तेरा यकीन तब करेंगे, हम तेरी बातों पर तब भी मान लाएंगे, अगर तू इस कुएं के पानी को ठीक कर देगा। मेरे अज़ीज़ो, ये बहुत बड़ी गवाही है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, इसको गौर से सुनिएगा, इसे गौर से देखें, और आप खुदा के कलाम से, इस गवाही से बरकत पाएंगे। उस खुदा के खादम ने कहा, मुझे कुआं दिखाया जाए, और जब वो कुआं पानी का दिखाया गया, तो सारे उस इलाके के लोग वहां जमा हो गए गिरदा गिर्द कुएं के। तो उस खुदा के खादम ने बाइबल मुकद्दस को खोला और उसने जबूर की किताब में से पढ़ना शुरू कर दिया, और वो तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा कलाम को पढ़ता गया, और आखिर में उसने एक छोटी सी दुआ की, और उसके बाद उसने कहा, अब मुझे इसमें से पानी निकाल कर दो। और जब उसने वो पानी पिया, तो वो पानी जो था, वो बाइबल मुकद्दस जो खुदा का कलाम है, उड़ के पढ़ने के वसीला से वो जो पानी था वो पाक हो गया, तमाम जरासीम से पाक हो गया। और मेरे अज़ीज़ो, जब उसने वो पानी पिया, कई घंटे गुजर गए, उसे कुछ ना हुआ। उन्होंने कहा, नहीं, हम डॉक्टर को चेक कराएंगे। उन्होंने शख्स को डॉक्टर को चेक कराया, डॉक्टर ने कहा, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका स्टमक बिल्कुल ठीक है, इसे कोई बीमारी नहीं है। उससे पूछा कि कहीं तुझे कोई पेट में दर्द हो रही, स्टमक में दर्द हो रही, उसने कहा, मुझे कुछ नहीं है। उसके बाद उस इलाके के लोगों ने पानी पीना शुरू किया, और जो जो वो पानी पीता, उस इलाके के अंदर जितने लोगों को स्टमक अल्सर हो चुका था, मेदे का अल्सर हो चुका था, वो सारे लोग शिफा पा गए। इसका मतलब है, देयर इज अ पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड। जब आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, जब आप खुदा के कलाम को सुनते हैं, जब आप खुदा के कलाम को खोलते हैं, खुदा के कलाम का खुलना, खुदा के कलाम का पढ़ना जिंदगी के अंदर मौजज़ा लेकर आता है। इसलिए कि ये कलाम किसी पास्टर का नहीं है, इसलिए कि ये कलाम किसी बिशप का नहीं,
इसलिए कि ये कलाम किसी आदमी का नहीं बल्कि ये कलाम जिंदा लसानी ला तब्दील कलाम है, क्योंकि मेरा और आपका खुदा ला तब्दील है, वो वादों में सच्चा है और जो कुछ वो कहता है वो पूरा करता है। यीशु आज कल बल्कि अब तक यक्षा है। हालेलुया। आइए बाइबल मुकद्दस को जो खुदा का लसानी ला तब्दील कलाम है इसको आम कर दें। जो लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम पास्टर साजिद तनवीर है और मेरी मिनिस्ट्री का नाम है जीसस लाइफ चेंजिंग मिनिस्ट्री इंटरनेशनल पाकिस्तान, और मैं बहार कॉलोनी की गलियों में और जहां भी खुदा मुझे मौका देता है मैं बाइबल मुकद्दस को गलियों में सुनाता हूं खड़े होकर ऊंची आवाज में। और खुदा ने मुझे कहा कलाम को आम कर दिया जाए। खुदा ने मुझे कहा अब जरूरत है कि बाइबल मुकद्दस को चर्चों के पुलपुट से निकाल कर गलियों में लेके आओ, आम जगह पर लेके आओ, ताकि लोग खुदा के कलाम को सुनकर तौबा करें। मेरे अजीजो, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब तक आप कलाम सुनेंगे नहीं, जब तक आप कलाम पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप कलाम सीखेंगे नहीं, ईमान नहीं पैदा हो सकता। ईमान तब पैदा होता है जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी मैं तो अनपढ़ हूं, मैं तो पढ़ लिख नहीं सकता, लेकिन आप खुदा के कलाम को सुन तो सकते हैं। आजकल तो बहुत ज्यादा सहूलत है, आप ऑडियो वीडियो कैसेट देख सकते हैं, आप खुदा के कलाम को सुन सकते हैं, पढ़ नहीं सकते कम से कम सुन सकते हैं। और अभी हमने खुदा के कलाम में पढ़ा है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक है। आप मुबारक तब ठहरेंगे जब आप खुदा के कलाम को सुनेंगे, जब आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला से आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। आखिर में मैं दुआ करना चाहता हूं। खुदावंद करीम रबुल इज्जत, तेरी बारगाह इलाही में हाजिर होकर मैं बड़ी आर्जी किसारी के साथ नेशनल न्यूज नामा के लिए, आए खुदा कैमरामैन के लिए, तमाम जितने रफिकार हैं, जितने काम करने वाले हैं नेशनल न्यूज नामा, नेशनल न्यूज टीवी के डायरेक्टर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, सारी टीम के लिए मैं तेरी बरकत चाहता हूं। और बाप आखिर में मैं दुआ करता हूं हाजरीन के लिए, नाजरीन के लिए, समाइन के लिए, जितने लोग यूट्यूब पर इस चैनल को देखते हैं, कलाम को सुनते हैं, आज के कलाम के वसीला से उनकी जिंदगियां बदल जाए और जो लोग बीमार हैं यीशु के नाम से शिफा पा जाए। अरे बाप ये कलाम उनकी जिंदगियों में घर कर जाए, जितने लोग इस कलाम को सुने देखे वॉच करें उनकी जिंदगियों में तब्दीली आ जाए। और मेरे मालिक करम कर देना, मेरे मालिक फजल कर देना, जिन जिन कानों तक ये बात पहुंचती है अगर वो कान बहरे हैं तो वो ठीक हो जाए। यीशु के नाम से ये कलाम जब उनके दिलों में जाए उनके दिलों से अंधेरा दूर हो जाए। दान करम कर, खुदान फजल कर, यीशु मसीह के जलाली बाबरकत नाम में सब कुछ मांगते और पा लेते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। Amen.